ये मेरा चेहरा और ये आपके फेवरेट फेस वॉश ने जो रिएक्शन करा है ना, वो चीज कौन सा फेस वॉश है ये मेरे भाई? ये चीज, ये आप भी अपने घर में यूज करते हो और मुझे अच्छी तरह से पता, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे यार ये यूज कर लो बहुत कम। हाँ दिख रहा होगा कमाल का रिजल्ट, आपको दिख रहा होगा, ये हाल हो रहा है। आज खरीद लेंगे सारे फेस वॉश, वर्स्ट टू बेस्ट बताएंगे, पता लगेगी आपको फेयर एंड हैंडसम की सच्चाई। अगर आप अपनी स्किन से 1% भी मोहब्बत करते हो, 1% भी आपको अपनी स्किन की फिकर है, तो ही भाई ये वीडियो आगे देखना, तब आपको ये वीडियो बहुत काम की लगने वाली है। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि हमें एक्ने हो जाता है, पिंपल हो जाता है, ब्लैक स्पॉट्स, व्हाइट स्पॉट्स, काली झाइयां, पिगमेंटेशन, भाई ये सब चीजें सॉर्ट हो सकती है स्किन केयर रूटीन। और स्किन केयर रूटीन आप मेजरली गलत कर रहे हो कि आपका जो फेस वॉश है ना, जो सबसे पहला स्टेप है, वो आप गलत चुन रहे हो। मैंने भाई इस इंडिया के जितने फेस वॉश थे सारे के सारे ले लिए, सारे के सारे मतलब कुछ तो ऑनलाइन, कुछ सुपरमार्केट में जाके, और जिन ब्रांड्स के बारे में ना आपने ना मैंने सुना था बट इंग्रेडिएंट सही लगा, चलो जी रख लिया। इसका इंग्रेडिएंट सही लग रहा है, पॉपुलर ब्रांड है, चलो रख लिया। इसके इंग्रेडिएंट सही रख लिया, चलो रख लिया। इसके डॉट, अरे अरे भाई ये तो छतरी आ रहे यार। बट भाई मैं पतंजलि के स्टोर तक गया और वहां पे भी 2500 की कैटेगरी में से जो सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट वाला मेरे को लगा कि हाँ भैया बेस्ट सेलर है, चलो रख लिया। मतलब ऐसे ऐसे फेस वॉश आप देख पा रहे होंगे जो आपने सुन रखे हैं, यूज करते हो या फिर कभी ना कभी यूज करें। मैं आज टेस्ट करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं भाई ये फेस वॉश सबसे भाई आता है और ये फेस वॉश सबसे बेस्ट। नहीं कर रहा भाई कोई प्रमोशन, नहीं लिए किसी से पैसे, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं मार्केट में ऐसे चुस्त लोग बैठे हैं, इतने पॉपुलर ब्रांड्स हैं, आपको सफेद झूठ बोल रहे हैं और मैं आपकी फिक्र कर रहा हूं मेरे भाई, और फिक्र के लिए आपका ये सारा शक दूर हो जाएगा। ये क्या है यार, आपने हो सकता है पढ़ा हो स्कूल कॉलेज में, लिटमस पेपर है भाई, बहुत बेसिक सी चीज है। ये क्या करता है, अगर कोई चीज एसिडिक होती है, मतलब 0 से 7 के बीच में अगर उसकी पीएच वैल्यू होती है, तो एकदम से लाल हो जाता है, जैसे कि लेमन के साथ आप देख पा रहे हो। और अगर जिसकी पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में होती है, मतलब एल्कलाइन बेसिक है, तो ये ब्लू ब्लैकिश सा कलर हो जाएगा, जैसे कि डिटर्जेंट में आप देख रहे हो। बट स्किन के साथ भी इसका कुछ इसी हिसाब से संबंध है भाई, हमारे स्किन के पीएच वैल्यू 4.5 से 5.5 तक है और ये पीएच बैलेंसिंग ना इन प्रोडक्ट्स को करना चाहिए और क्लीनिनेस करनी चाहिए। बट अगर ये क्लीनिंग नहीं करेंगे और सारा पीएच बैलेंस भी बिगाड़ रहे हैं, तो भाई इससे घटिया कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। लो भाई मैं अपना प्रोडक्ट भी इस कंपैरिजन में करता हूं शुरू। तो भाई अब हम शुरू करते हैं एक ऑनेस्ट लिटमस पेपर टेस्ट इन प्रोडक्ट्स के साथ और फिर आपको सच्चाई बता। तो सबसे पहले हिमालय का नीम फेस वॉश, क्योंकि इसकी हम सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे भैया, पॉपुलर डिमांड ही इतनी है, शॉर्ट्स का ग्लास, क्योंकि उसके अलावा ये कहीं काम आता नहीं। इतना फेस वॉश, पीने का पानी, अब होगी मिक्सिंग, अब होगा सच का सामना। पीएच स्केल पे 7 नंबर, मतलब हिमालय के इस फेस वॉश ने पहली स्टेज तो कर लिया पार। फेयर एंड हैंडसम, ये जरा इंटरेस्टिंग है चेक करना। तो चलिए हम इसका डिसेंट अमाउंट डालें। भाइयों अब पता लगेगी आपको फेयर एंड हैंडसम की सच्चाई। मतलब मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, जो विम डिश वॉशिंग सोप आता है ना, वो भी साला इतना ध्यान रखते हैं कि यार चलो जो भी बर्तन है वो इतने ज्यादा हम बेसिक ना बनाए, नहीं तो रस्ट हो सकते हैं। और भाई ये तुम अपने चेहरे पे लगाते हो क्योंकि विम का रिजल्ट तुम्हें पता है और इसका रिजल्ट तुम्हें सामने दिख रहा हो। इन्हीं फेस वॉश के इस्तेमाल से या तो पीएच जब तुम एसिडिक या फिर बेसिक लेके जाते हो ना, तो इस टाइप की स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और तुम फिगर आउट करते रहते हो यार ये हो क्यों रहा है, यार ऐसा क्या खा रहा हूं मैं, ऐसा क्या लगा रहा हूं। अरे भाई जो तू लगा रहा है वो इतना बेसिक है कि ऐसे पिंपल्स, ये इतना घटिया स्किन हो जाएगी ना, अभी भी बोलता हूं छोड़ दो। अब लैक्मे क्या जादू कर पाता है आज देख लेते हैं। भैया स्मेल भी है, फ्लेवर भी है, कलर भी है, बताओ
बाय द वे हर चीज मैं बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता हूँ अगला वाला टेस्ट करने में, तो तुम उसकी चिंता मत करना। ये सब बहुत ऑनेस्ट मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, तो ये मार्केट वाले तो ऑलरेडी आपका बहुत काट चुके हैं। लिटमस पेपर ब्लैक में, लेट्स सी। तो इतनी भी माड़ी कंपनी नहीं है। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड, डैम गुड बाय रिदल मधोका जो ये नया फेस वॉश है ऑयली स्किन के लिए, तो सबसे बेस्ट है मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी बेस्ट फ्रेंड होती है ऑयली स्किन वालों की। बट भैया क्या ये पास कर पाएगा टेस्ट, ये तो एक क्वेश्चन ही है जो आज आपको बता दी जाए। मुल्तानी मिट्टी रिदल भाई आपकी इज्जत है यहाँ पे, अभी पता लग जाएगा इज्जत का फलूदा होगा या फिर। लो भाई तुम्हारे सामने मैंने पर्चा खड़ा और mridulmadhok.in पे, क्योंकि इससे जो ग्लो आएगा ना मजाक से हटके भाई बहुत जबरदस्त है मृदुल मधु। और फिर भैया ये तो मैंने ब्रांड ऐसा है कि इतना सुना है क्लीन एंड क्लियर हम यूज करते हैं, ये तो मैंने सोचा भैया टेस्ट करना बनता ही है। टेस्ट तो नहीं, ऐसे तो ट्रांसपेरेंट है, अभी तक जितने ट्रांसपेरेंट हैं वो सारे बढ़िया ही रहे, बट लेट्स सी कैसा होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता भी है मैंने जितना सुना है, बट इसके केमिकल्स मैंने जितने पढ़े ना भाई बहुत हार्श है, बहुत हार्श। देखते लिटमस टेस्ट कैसा दिखाता है। चलो जी, पूरी लालम लाल हो गई, सॉरी हरी हो गई भाई, ये तो इतना बेसिक है भाई। कह रहा था ना जितने पॉपुलर ब्रांड उतना चूतिया। वाओ, अब जो दो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ना उसके बारे में इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत बातचीत करी है, तो देखते हैं भाई सही में रिसर्च कर रखी होती है इन वाओ वालों ने या फिर अभी पता लग जाएगा। इंग्रेडिएंट्स तो इनके सॉर्टेड है, इवन जब मैंने फेस वॉश यूज भी करा तब भी काफ़ी मजेदार रिजल्ट था, बट एक्सपेंसिव है ये थोड़ा सा। भाई वाह मामा अर्थ, तो काफी पॉपुलर ब्रांड है ये तो भाई, निकल ही जाएगा तो इसमें कुछ नहीं आने वाला। लेट्स सी, मतलब है क्लियर बट नहीं भी क्लियर, देखो हल्का सा ग्रीनिश टर्न है, ठीक है चलो बढ़िया ही है। इंग्रेडिएंट्स तो इसके सॉर्टेड हैं, पैराबेन सल्फेट नहीं। और अब हम करेंगे गार्नियर का विटामिन सी। भाई गार्नियर के मैंने और भी बहुत सारे देखे थे बट उसके इंग्रेडिएंट्स मुझे भाई इतने बकवास लगे, ये सबसे बेस्ट लगा गार्नियर का। तो आज ही गार्नियर वाला एक बार देख लेते हैं, गार्नियर की सच्चाई पता लगेगी मधुर के थ्रू। क्या लगता है जो गार्नियर यूज कर रहे हैं उनकी फट रही है, क्या कर रही है, क्या लगता है कुछ गार्नियर, मैंने बोला था ना पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो आपका चूतिया काट रहे हैं, बहुत फेमस ब्रांड पॉन्ड्स, इसका ब्राइट ब्यूटी लड़कियों में बहुत फेमस है, तो जो भी लड़कियां देख रही हैं अब जरा अच्छे से बैठ के आप भी तक कैसे सा निकल रहा है। पॉन्ड्स भरोसा करती है इस पे माएं अपने जब बच्चे को, क्या बोलूं यार मैं,
सीटाफिल मैंने सुन रखा भाई ये सबसे ज्यादा माइल्ड फेस वॉश है, मतलब जिनकी भी सेंसिटिव स्किन होती है उनमें ये बहुत फेमस है। हल्के हल्के शायद से अगर आप देखो तो ग्रीनिश तो है, तो मतलब सही भी मान सकते हैं गलत भी थोड़ा थोड़ा। देखो अगर आप ध्यान से देख पाए बॉम्बे शेविंग कंपनी, बियर्डो बॉम्बे शेविंग कंपनी, ये एक जैसी है। इनका वैसे भी चारकोल फेस वॉश मैंने सुन रखा था भैया बहुत ही तगड़ा है। क्या लगता है मम्मी पापा का फेवरेट ब्रांड पतंजलि, क्या लगता है? ओहो गाइस अब ये भाई ये तो मैं भी नया ब्रांड ही सुन रहा था, मेरे को इंग्रेडिएंट्स थोड़े से सॉर्टेड लगे। और सबसे बढ़िया बात ये है 199 में ये प्लस ये प्लस ये मिला है। मैंने कहा भैया ये एक बार ना मैं चेक कर लेता हूँ, ये स्क्रब और एक और फेस वॉश दे रहे हैं तो इतनी सस्ती डील अगर आपको मिल जाए तो क्या हमारी चीज़ है। तो मैंने सोचा भैया चलो ठीक है। और फिर मैं जब घर आया था मैंने सुना कि मम्मी से इसकी एड कपिल देव करता था, मेरे को लगा अच्छा ब्रांड अच्छा है कपिल देव तक अफोर्ड कर रहा है, तो हम जरा दूध का दूध पानी का पानी कर ले। चलो भैया क्या लगता है, क्या लगता है वैसे मैंने अक्सर ये देखा है जो एडिड कलर नहीं यूज कर रहे ना वो एटलीस्ट इस वाले टेस्ट में तो सॉर्टेड ही आ रहे हैं। बढ़िया भाई सस्ते में काम हुआ। और नीम बेसिल, अब ये वैसे कंपनी है रस्टिक, और ये जो भी इन्फ्लुएंसर ऐसी वीडियोस बनाते हैं ना कि भैया नॉन स्पॉन्सर्ड है ये वो, तब ज़रूर इसके बारे में बातचीत करते हैं। और ये है भी थोड़ी सी अलग सी, जैसे बाकी सब ट्यूब में आती है तो ये डब्बी में आती है। बट लेट्स सी। ओप्स मतलब नॉन स्पॉन्सर्ड है, भी लोग झूठ बोलते हैं। चलो आगे टेस्ट देखते हैं इसके और कैसे होते हैं। ये तो भैया पक्का आराम से 8-8.5 पीएच। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो लिटमस टेस्ट बताए बस उसी को ही फॉलो कर लो। अरे नहीं भाई मैं सही आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है, क्योंकि कुछ ऐसे फेस वॉश है जो थोड़े बहुत बेसिक हो चलेगा, क्योंकि हमारी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन वालों के लिए और रफ स्किन वालों के लिए थोड़े से बेसिक वाले फेस वॉश चल सकते हैं, बट अगर उसके अंदर अच्छे केमिकल्स यूज हो। देखो भाई केमिकल्स भी तीन टाइप के होते हैं, एक टॉक्सिक केमिकल, एक चलो थोड़े न्यूट्रल केमिकल और एक गुड केमिकल। अब अगर आपके टॉक्सिक केमिकल्स कुछ फेस वॉश में इस हिसाब से हैं जो कि स्किन इरिटेशन कर सकते हैं, जो स्किन पेनिट्रेशन कर सकते हैं, जो ये एंडोक्राइन रिसेप्टर्स हैं और इवन कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, तुम बोलोगे यार ये सारा शामिल क्यों करते हैं, अब क्यों डालते हैं ये ऐसे प्रोडक्ट्स। देखो भाई मैं खुद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हूं इसलिए मैं आपको बता सकता हूं ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है, और इन्हीं गंदी चीजों के कुछ एक्चुअली फायदे भी हैं जो इन मैन्युफैक्चरर्स को लगते हैं बट लाइक कस्टमर को तो क्या वाड़ में जाए। जैसे कि मिथाइल पैराबेन, इथाइल पैराबेन ये डाल देंगे, क्यों? शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जो प्रोडक्ट 6 महीने लास्ट करना चाहिए वो 18 मिनट लास्ट करता है, तो ऑब्वियसली बात है एक बार थोड़ा सा करके बस लाइक चिपकाते रहेंगे लोगों को, और लोगों को जो स्किन प्रॉब्लम हो रही है इनको फर्क नहीं। जैसे कि मिनरल ऑयल शाइन ले आएगा आपके प्रोडक्ट में बट उससे एक्ने हो जाएगा। जैसे कि फैलेट्स आपके प्रोडक्ट को और ज्यादा सॉफ्ट कर देता है बट उसी वजह से आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। तो भाई ऐसे ही आप जब डिमांड करते हो ना कि यार मेरे प्रोडक्ट का कलर चेंज कर दो, फ्रेग्रेंस अरे वाह हमें तो जैस्मीन की आ रही है, हमें काले खट्टे की आ रही है, तो उसकी वजह से जो गंद ये डालते हैं ना, जो केमिकल्स एडिशनली फ्रेग्रेंसेस वगैरह डालते हैं वो स्किन को बेड़ागर करते हैं। फिर सोचा वैसी टेस्टिंग कर लेता हूँ जैसे आप करते हो जी, एक बार फेस वॉश लगाया और अच्छा सा देखने लग इंस्टेंट चमचमा आ जाए। फेस वॉश से चेहरा वाला इफेक्ट ज्यादा फेस वॉश में तो नहीं बट गार्नियर में दिखा, फेयर एंड हैंडसम में दिखा, लैक्मे में भी दिखा, डैम गुड का मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश में भी दिखा, और इसके साथ साथ पाम ऑयल में भी। पतंजलि के सौंदर्य को तो आधे चेहरे पे लगाया था, ऐसी ना इरिटेशन सी लगने लग गई। भाई मैंने सोचा इसको उतारो इसका देख लेते हैं, और उसके बाद और जिसका आपको इंतजार था इसका रिजल्ट, आपके फेवरेट पतंजलि का रिजल्ट कुछ ऐसा सा दिख रहा है। रिएक्शन कर दे इसने मेरी स्किन पे, ये है आपका फेवरेट पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश।
ये हाल करा इसने। तो भाई आपसे मैं या तो ये चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो जितने मैंने प्रोडक्ट्स देखे हैं उसके ऊपर भरोसा कर लो, और जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो वो नीचे कमेंट में मुझे बता दो, तो एटलीस्ट मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करके आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। पहला ऑप्शन ये। दूसरा, आप खुद इंग्रेडिएंट्स चेक कर लो और लिटमस से आप भी चेक करके अपने घर में खुद पता कर लो कि कौन सा प्रोडक्ट सही है कौन सा नहीं। बट जो हम चीज चाहते थे इस वीडियो के एंड में कि यार आप मेरे को बताओ कि कौन से प्रोडक्ट भाई यार कौन से प्रोडक्ट गांड के बाल हैं और कौन से प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा सही हैं वो बता दो। तो चलो ठीक है, मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूं भाई। एक जो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, एक जो ठीक ठाक प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि आदो ने तो अपनी इंग्रेडिएंट्स ही छुपा लिए, और वो प्रोडक्ट जो बहुत ही ज्यादा भाई आता है। तो भाई ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा सही हैं, आपने खुद इसका लिटमस पेपर का भी टेस्ट देखा है और आप इनके इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हो। जो ये प्रोडक्ट है ये मैं थोड़े से डाइसी जोन में रखूंगा कि ठीक है ओकेश है, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ की स्किन पे अच्छा भी काम करें, और जो ये प्रोडक्ट्स है भाई ये बहुत ही वाही आता है। और मैं आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा, ये स्पेसिफिकली जो ये ब्राइटनिंग, ये स्किन व्हाइटनिंग वाले जो भी ये फेस वॉश है ना, इस पे मत जाओ भाई। मैं खुद शॉपिंग मॉल जब गया था मैं इसके इंग्रेडिएंट्स देखे थे, मैं खुद पागल हो गया था यार ये कैसे कैसे इंग्रेडिएंट आते हैं। मरकरी वर्क ये भाई स्टेरॉइड्स तक डालते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में, तो वो कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो प्लीज इनको अवॉइड करा करो। और भाई मैं तो वही बोलना चाहूंगा कि जो भी आपका स्किन टोन है, जैसा भी आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन है भाई, उसमें कॉन्फिडेंट फील करा करो। ये कुछ भी गोरा काला ये कुछ भी नहीं होता। हाँ ये सारे के सारे आपकी स्किन को क्लीन कर सकते हैं और सारी स्किन बहुत ही बढ़िया होती है। बट अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो में बनाऊं शैम्पू के ऊपर, हेयर ऑयल के ऊपर, सनस्क्रीन के ऊपर, मॉइस्चराइजर के ऊपर, और जो भी चीज आप चाहते हो मैं भाई उसके ऊपर इस टाइप की वीडियो बना सकता हूँ और ऐसी टेस्टिंग दिखाऊंगा जैसे आपको ऑनेस्टी अभी मैंने ये वाली टेस्टिंग दिखाई। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ अपने ब्लॉग शेयर करूँ वो भी बता सकते हो। चलो ठीक है यार, तुम्हारा भाई।